नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। चुनाव आयोग ने कथित ऑडियो टेप मामले में जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ में गत वर्ष विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव से जुड़े एक कथित ऑडियो टेप के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में तत्काल जांच करने के आदेश दिए हैं। इस ऑडियो में उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान से हट जाने के पीछे कथित तौर पर वित्तीय प्रलोभन दिए जाने की बात की गई है। ऑडियो टेप सामने आने के कुछ घंटों बाद आयोग ने ये कदम उठाया। ऑडियो टेप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी, मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के बीच कथित बातचीत है, जो अंतागढ़ सीट का उपचुनाव फिक्स करने के लिए की गई थी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में लश्कर के दो आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दो आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार शाम से एनकाउंटर चल रहा था। मारे गए दो आतंकवादियों में से एक पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों आतंकियों का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से है। सेना को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तीन आतंकी छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्हें घेर लिया गया। उल्लेखनीय है कि खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में देश भर में नववर्ष के अवसर पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में बताया गया था कि लश्कर के लगभग 15 से 20 आतंकी भारतीय सीमा में घुस गए हैं। प्रधानमंत्री निवास से भी बड़ा है सोनिया गांधी का घर 10 जनपद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास देश के अन्य नेताओं के मुकाबले सबसे बड़ा घर है। उनका निवास 10 जनपद प्रधानमंत्री के निवास 7 रेस कोर्स से भी बड़ा है। केवल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का निवास 10 जनपद से बड़ा है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के अनुसार प्रधानमंत्री निवास 14101 वर्ग मीटर में बना है। वहीं गांधी निवास 15181 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, जो 7 RCR के मुकाबले काफी बड़ा है। 320 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बाकी सभी आधिकारिक घरों से बड़ा है, जबकि 6 मौलाना आजाद रोड पर स्थित उपराष्ट्रपति निवास 26 33.49 वर्ग मीटर में बना हुआ है।